नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। रोजाना बिहार की 10 प्रमुख खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में 10 से 12 दिन और बढ़ेगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, चौथी लहर की आशंका नहीं। पटना में अलर्ट मोड पर नगर निगम, 19 जोन में घूमेगी क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियां। उत्तर बिहार की औद्योगिक नगरी मुजफ्फरपुर में होंगे 5 अनुमंडल, प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाएगा। खुले में शौच से मुक्ति के लिए दूसरा चरण शुरू, 28,000 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। उत्तर बिहार के इन 4 जिलों में है भारी बारिश का अलर्ट, पटना को लेकर है ये अपडेट। IDBI बैंक में 226 पदों पर बम्पर बहाली, जानिए कैसे होगा आवेदन। डीजल ऑटो चलाते पकड़े गए तो होगी बड़ी कार्रवाई, परमिट होगा रद्द। पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित उनके कार्यालय और आवास, दानापुर के गोला रोड स्थित फार्मेसी कॉलेज और गया शहर स्थित फ्लैट में हुई है। सूत्रों के मुताबिक जितेंद्र कुमार के आवास से 4 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि बरामद हुई है। नगद राशि का दायरा और अधिक हो सकता है। इसके अलावा टीम की जांच में सोने चांदी के आभूषण, जमीन व मकान और इंश्योरेंस पॉलिसीज का पता चला है। देर शाम तक चली जांच में उनके व परिजनों के नाम पर पटना और रांची के पॉश इलाकों में जमीन व फ्लैट का भी पता चला है। अगले सुबह से लगी निगरानी की टीम शनिवार की देर शाम तक अथा चल अचल संपत्ति के आकलन व मूल्यांकन में जुटी रही। इससे पहले ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ निगरानी थाने में 2 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराते हुए छापेमारी शुरू की गयी। पटना जिले में बीते 15 दिनों से कोरोना की रफ्तार तेज है। बीते 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन 75 के औसत से बढ़ रही है। शहर के एम्स, IGIMS सहित बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ व कोविड नोडल पदाधिकारियों के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक केस में और इजाफा देखा जा सकता है। जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 से 200 के पार भी जा सकती है, मगर अगले 10 से 12 दिनों के बाद संक्रमितों की संख्या में कमी आएगी। फिलहाल कोरोना की चौथी लहर की कोई आशंका नहीं दिख रही है, सिर्फ कोविड नियमों का पालन करते हुए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। PMCH के कोविड वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अजय तरुण के अनुसार वर्तमान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी व तीसरी लहर के मुकाबले वायरस कमजोर दिख रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन में ही लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, जबकि बाकी लहरों में 8 से 10 दिन का समय लगता था। मॉनसून के दौरान पटना में जल जमाव से निपटने के लिए पटना नगर निगम द्वारा क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिसको अब सक्रिय कर दिया गया है। शहर के किसी भी क्षेत्र में जल जमाव की शिकायत मिलने के 15 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचेगी और समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए निगम द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शहर में कहीं पर भी जल जमाव की स्थिति में पटना वासी निगम से शिकायत कर सकते हैं। पटना नगर निगम ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1553-04 जारी किया है। पटना के सभी 75 वार्डों के लिए सितंबर तक 19 जोनल क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। यह टीम मानसून के दौरान 24 घंटे एक्टिवेट रहेगी। उत्तर बिहार की औद्योगिक नगरी मुजफ्फरपुर जिले में 5 अनुमंडल होंगे। बढ़ती आबादी के लिए आधारभूत संरचना और उसकी सही निगरानी करने के लिए यहां 5 अनुमंडल बनाने की कवायद तेज हो गई है। नए स्वरूप में इसमें 1 सदर अनुमंडल व 4 दूसरे अनुमंडल बनाए जाएंगे। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के आदेश पर सचिव ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा राज मुख्यालय से भी गजट की प्रति मांगी है, ताकि उसके आधार पर बाकी अनुमंडलों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। जिले में क्षेत्रफल व आज़ादी के मद्देनजर अलग अलग प्रखंडों से अनुमंडल गठन की मांग दशकों से उठती रही है। यही सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन व गृह विभाग को भेजा जाएगा। इसके पूर्व मोतीपुर में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय की स्वीकृति मिल चुकी है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। राजनीतिक कारणों से विरोध व समर्थन के बीच शुरू यह प्रक्रिया जल्दी ही धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि चीजों को व्यवस्थित किया जा सके। वर्तमान में जिले के सभी 16 प्रखंड के लिए 2 अनुमंडल पूर्वी व पश्चिमी ही बनाए गए हैं। अनुमंडल की संख्या बढ़ाने की तार्किकता इसीलिए भी बढ़ाई गई है कि जिले में अब नगर निकायों की संख्या बढ़ाकर 10 हो गई है।
बिहार के हाजीपुर जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरा चरण में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नए परिवार जिनके घरों में पूर्व में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था उन्हें व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक खुले में शौच से मुक्ति के लिए घर घर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। जिले में 28,000 नए शौचालय का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत पंचायतों में 30 जून तक सर्वे कर रिपोर्ट जिला में उपलब्ध कराना है। शौचालय निर्माण नहीं हो सका वैसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को खुले में शौच मुक्त बनाना है, साथ ही ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था में सुधार लाकर ODF प्लस महत्वपूर्ण योजना चलाई जाएगी। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम केंद्र पटना के तत्कालीन पूर्वानुमान के अनुसार आज मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। बारिश की वजह से राज्यभर के जिलों में तापमान में गिरावट आई है। पटना में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन आर्द्रता बढ़ने से उमस बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले 3 घंटों में हल्के दर्जे के मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुर और पश्चिमी चंपारण जिले में भी आगामी 2 से 3 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया गया है कि सतर्क और सावधान रहें। अगर आप किसी भी खुली जगह पर हैं, तो शीघ्र ही किसी पक्के मकान के सरने, ऊंचे पेड़ अथवा बिजली के खंभे से दूर रहें। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके तहत कुल 226 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून यानी कि बीते शनिवार से शुरू हो गई है। नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छे से समझे और IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.bank.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई है। पटना में डीजल वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगा हुआ है। इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं और डीजल ऑटो चला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी। रोक के बावजूद डीजल ऑटो चलाने वालों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। RTA में उन्हें नोटिस भेजकर कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर ऑटो को CNG में कन्वर्ट करा लें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा। वहीं CNG में कन्वर्ट कराने पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी भी अब नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो को CNG में कन्वर्ट कराया है, केवल उन्हीं को सब्सिडी मिल पाएगी। बिहार और झारखंड के नीलिमा विराट इंडस्ट्रीज के MD विराट गौरव की माने तो डीजल ऑटो को CNG में कन्वर्ट कराने से ऑटो मालिक सीधे 2 लाख रुपये बचा पाएंगे। अगर वे नया CNG ऑटो लेंगे तो उन्हें 2.5 से 3.5 लाख रुपये का खर्च आना तय है। अगर EMI पर लेते हैं तो 5 साल ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे में 1 लाख से कम में ही CNG किट लगवा कर फिर ऑटो को नया कर सकते हैं। 2 वर्षीय BEd एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई को होगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ली जाएगी। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र, समय एवं अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। बता दें कि पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, जिसे कुलाधिपति के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था। राज्य के 11 शहरों में आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त हो, इसे लेकर शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित जिला के DM अधिकृत अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने कहा कि लनामिमी यह परीक्षा लगातार 3री बार आयोजित करने जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारी से कहा है कि आप लोगों ने पूर्व में भी परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण आयोजित करने में मदद की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि इस वर्ष सहयोग मिलेगा। कुलपति के साथ ऑनलाइन बैठक में 9 जिला के DM अधिकृत पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अनुपस्थित रहे जिले मधेपुरा एवं मुंगेर के DM अधिकृत पदाधिकारियों से कुलपति के निर्देश पर राज नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने दूरभाष से बात कर सहमति प्राप्त कर ली।
राज्य में नगर निकायों का चुनाव अब बरसात के बाद कराए जाएंगे। ज्यादातर संभावना इस बात की है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आयोग को चुनाव की तैयारी करने को हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी इसकी पुष्टि की है। राज्य में सभी नगर निकायों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो चुका है। इस लिहाज से जून माह में ही चुनाव कराया जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में नए नगर निकायों का गठन और मतदाता सूची व वार्डों के गठन में विलम्ब की वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ। अब बरसात में चुनाव कराने से कई तरह की परेशानी होगी। ऐसे में सरकार अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने का मन बना चुकी है। फिलहाल चुनाव पूर्व की तैयारी के क्रम में नगर निकायों के वार्डों के गठन का काम पूरा किया जा रहा है। इस बार राज्य में कुल 248 नगर निकायों का चुनाव कराया जाना है। राज्य के नगर निकायों में से 13 का कार्यकाल 2022 में पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इन 13 नगर पालिकाओं में चुनाव अगले वर्ष कराया जाना है। सरकार ने राज्य में 176 नए नगर पालिकाओं का गठन किया है। जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहाँ नगर आयुक्त तथा कार्यपालक पदाधिकारी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को मिलाकर समिति गठित करने पर फैसला नहीं हुआ है।